नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल अलग सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे कि मैं पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, भर भर के प्यार दीजिएगा वीडियो को, बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा हमें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोटी की रेसिपी। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोटी का रेसिपी भला कौन डालता है, तो आज की जो रोटी होगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा स्पेशल वाला, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है और बहुत कोई को होता है ना कि अपच का शिकायत, कुछ खा लिए तो खट्टा ढकार आने लगा, या पेट फूल जाता है खाने के बाद, या वजन उनका बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इस टाइप की रेसिपी भी बहुत कोई को चाहिए होता है, बहुत कोई कमेंट भी करते रहते हैं ऑयल फ्री कुछ बनाइए या इस टाइप से। तो दोस्तों, आज मैं उसी का रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करूंगी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा ही रोटी जो बनेगा अलग तरीके से, इस तरीके से आपने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं रोटी बनाया होगा, ये हमारी गारंटी है आपसे। दोस्तों, रोटी बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री को पहले तैयार करना होगा, उसके बाद ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये नॉर्मल आटा नहीं है दोस्तों, और आज की रेसिपी में ना ही चावल का आटा इस्तेमाल करूंगी, ना ही गेहूं का आटा इस्तेमाल करूंगी, ना ही सूजी, ना ही मैदा। आप लोग सोचिए कि ना ही मक्के की आटा इस्तेमाल करूंगी, फिर भी हमारा रोटी टेस्टी के साथ साथ काफी हेल्दी होगा। यदि आप सुबह के टाइम में भरपेट खाइए, ये नहीं मैं कहती कि आप हाफ खाइए, आधा रोटी खाइए, एक रोटी खाइए, इससे आपके वेट लॉस होंगे। आप भरपेट खाइए एक टाइम सुबह के टाइम में, उसके बाद आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं खाने का मन करेगा, इतना ज्यादा ये भरा भरा आपके पेट को रखेगा। तो दोस्तों, अभी पहले इसको साइड में करते हैं और इसके साथ क्या डालेंगे उसकी तैयारी देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पैन को चढ़ा लेना है, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, और हल्का सा इसको गर्म पहले करेंगे। अब इसमें डालेंगे, देखिए चम्मच से, कोई भी चम्मच से आप नाप के लेंगे। इसमें डाल रही हूँ फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी की बीज, 2 चम्मच इसमें डाली हूँ अलसी की बीज। आप मात्रा जो है इसका ध्यान बराबर से रखिएगा दोस्तों। 1 चम्मच है ये, देखिए जीरा है ना, 1 चम्मच इसमें डालेंगे जीरा, और साथ में डालेंगे इसमें दोस्तों अजवाइन, ये भी 1 चम्मच है। जितना हमारा फ्लैक्स सीड होता है ना, उसका आधा जीरा लेंगे और अजवाइन लेंगे, और इस तरीके से आप चाहें तो बना के ज्यादा से भी रख सकते हैं, और हर रोज के रोटी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। और आप लोग यदि वीडियो को ज्यादा सपोर्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा पसंद करेंगे ना, तो मैं आपके साथ बहुत ही सारा इस टाइप की रेमेडी जो है, यानी कि वेट लॉस के रिलेटेड, तो मैं आपको बहुत सारे वीडियो दूंगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम अपने घर में भी करते हैं और खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और ऐसा ऐसा आपको रेसिपी दूंगी ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इस चीज से भी इस टाइप के रेसिपी बन सकता है। दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको कितना भूनेंगे, बस इतना भूनेंगे कि सारे जो ये सामग्री है ना, इसमें से हल्का सा चटकने का आवाज आने लगे। ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी चीज ना ही जलना चाहिए और ना ही कच्चा रहना चाहिए। जीरा से हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, बहुत तेजी से वेट लॉस होता है जीरा से। तो आप देख लेंगे कि जीरा, यदि ये जो है ना, ये एक बार का पराठा, एक बार के रोटी के लिए मैं ये मसाला बना रही हूँ, आपको बनाकर डब्बा में बंद करके रखना है, तो इसी हिसाब से आप ज्यादा भी बना सकते हैं, और खुशबू भी बहुत अच्छा इससे आने लगा है दोस्तों। तो अभी कर देंगे गैस को बंद और इसको ठंडा होने रखेंगे। दोस्तों, अब सारी जो चीजें हैं वो ठंडा हो गए हैं, देखिए बहुत अच्छे से इसको ठंडा करना है। जब ठंडा करेंगे ना, तभी इसका पाउडर आप बना पाएंगे। यहाँ पर लेना है हमें छोटा वाला जार, और इसमें इसको पीस लेना है। यदि हल्का सा दरदरा भी रह गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ना कि अच्छे से ये पीस जाए। अब इसके साथ डालेंगे काला नमक, ये जो है बहुत ही अच्छा
पचाने में ये जो है सहायता करता है काला नमक, और इसमें जो अजवाइन डाला हुआ है। तो दोस्तों काला नमक का ही इस्तेमाल करेंगे आप, जो सादा नमक प्लेन वाला होता है ना उसका इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना है। अब क्या करेंगे, ढक्कन लगा के इसको अच्छे से बारीक करके पीस लेंगे। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से बारीक कर ली हूँ, थोड़ा सा रोक रोक के पीसिएगा, नहीं तो जो अलसी है ना उसके अंदर से तेल निकल जाता है, फिर ये जो है पाउडर चिपचिपा हो जाएगा। तो एक लगातार आपको मिक्सी नहीं चलाना है, जब भी आप इस टाइप का कोई भी पाउडर बना ले रहे हैं जिसमें कि तेल होता है तो उसको रोक रोक के ही चलाइएगा। दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छे से बारीक हो गया, इसको छानने का कोई जरूरत नहीं है, छानेंगे तो जो इसमें जीरा वगैरह है वो छन जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तैयार हो गया, अब चलिए आपको रोटी बनाने का तरीका बताती हूँ। दोस्तों यहाँ पर रोटी बनाने के लिए ली हूँ एक छोटे साइज का खीरा। अब इसमें कितना रोटी बनता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप खीरा यूज करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर काट के और हल्का सा इस तरीके से इसको जरूर कीजिएगा। इससे कभी कभार जो खीरा तीता वाला आ जाता है, जो खाने में कड़वा लगता है नीम के जैसा, वो निकल जाता है। देखिए जो फेन है ना इसके साथ ही ये निकल जाता है। फिर से इसको यहाँ पर से थोड़ा सा कट करेंगे और इसको हटा देंगे। अभी खीरा खीरा के छिलका को हटाएंगे। आप चाहे तो छिलका समेत, यदि ज्यादा सॉफ्ट है छिलका तो छिलका समेत भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। और यहां पर खीरा को कद्दूकस कर लेंगे। आप खीरा की जगह पे लौकी भी ले सकते हैं, इस तरीके से इसका लच्छा जैसा निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा बीज वाला खीरा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, लौकी भी सेम तरीके से इसी तरीके से आप कद्दूकस करके और ले सकते हैं। आप कहीं से भी वीडियो स्किप ना करें दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा। और हर रोज यदि आप मोटापा से परेशान हैं तो हर रोज सुबह के टाइम में जब आप नाश्ता करते हैं उसी टाइम में ये वाले रोटी बना के खा लें, पूरे दिन आपको भूख नहीं लगने देगा। तो समझ लीजिए जो पूरे दिन आप कुछ नहीं खाएंगे और अच्छा हेल्दी सा खाए भी रहेंगे तो इससे आपको कमजोरी सा भी नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों एक खीरा से इतना हुआ है, इसमें जो जूस है उसे भी हमें इस्तेमाल में लेना है। अभी इसके साथ ही थोड़ा सा अदरक को भी कद्दूकस करके डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे। देखिए अब ये तैयार हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कप छोटे वाले कप से ली हूँ अंकुरित मूंग स्प्राउट। देख पा रहे हैं कितना बड़ा बड़ा इसमें अंकुर निकला हुआ है। तो आप इसको इसी तरीके से फूलने के लिए डाल दें, फिर कपड़ा में बांध के इसको अंकुरित कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर लेंगे जार और इसमें डाल देंगे मूंग। ये छोटे वाले कप से एक कप ली हूँ। देखिए दोस्तों इसके साथ ही क्या करेंगे, ये खीरा डालेंगे इसके पानी के साथ, जो है हमारा मूंग भी अच्छे से पिस जाएगा और अलग से हमें पानी डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको बहुत अच्छे से एक से दो बार चला लेंगे, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। देखिए दोस्तों अच्छे से ये पिस चुका है और बहुत ज्यादा इसको चटनी के जैसे बारीक नहीं करेंगे। अब सारे ही मिक्स को निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में। तो अच्छे से सारे को निकाल लेना है। वाले पेस्ट के अंदर डालेंगे ये पाउडर, जो पाउडर अभी बना के आपको दिखाई हूं ना, तो ये वाला पाउडर का 2 चम्मच भर के डालेंगे। बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है, 2 चम्मच ही डालें, क्योंकि हर चीज का खाने का जो है लिमिट होता है, बहुत ज्यादा कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अच्छे से डालने के बाद इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, तो इसमें जो नमी है यानी पानी पानी सा जो है खीरा का, वो ये जो चूर्ण है इसमें जो पाउडर गया है वो उसके साथ ही फूलेगा और थोड़ा सा पानी को कम कर देगा। देखिए देख पा रहे हैं, और इसमें काला नमक जो गया हुआ है, बहुत ही ज्यादा खुशबू इसका अच्छा आ रहा है। दोस्तों अभी क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि रोटी आखिर बनाया कैसे जाएगा, तो ये है दोस्तों रागी का आटा। हम लोगों के यहाँ इसे मरुआ बोलते हैं, और हम लोगों के यहाँ ना इसका खेती भी होता है, तो ये खेत में उपजाया जाता है, काला काला जो होता है मरुआ, रागी बोलते हैं उसे, नाचिनी, तो वही उसी का आटा है ये। बहुत अच्छे से उसको घर के मरुआ से ही इसको पिसवा के आटा तैयार की हुई हूँ। तो इससे ही आज रोटी बनेगा, इसमें ना ही गेहूं का आटा डालूंगी ना ही कुछ डालूंगी, क्योंकि
अच्छे से ये बंध जाएगा। इसमें डला हुआ है पीसा हुआ मूंग। यदि आप सिर्फ रागी का आटा का रोटी बनाना चाहेंगे ना, तो ये थोड़ा सा बंधता नहीं है। गर्म पानी में डाल के हम लोगों के यहाँ इसका मोटा मोटा सा रोटी बनाया जाता है। और कुछ इसमें फूला हुआ, जैसे कि आप मूंग डाल सकते हैं, मक्का डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इस टाइप का, तो ये बहुत अच्छे से बंध जाएगा इसके साथ ही। तो आपको अलग से इसमें गेहूं का आटा नहीं डालना पड़ेगा। और यदि आप गेहूं का आटा डाल के बनाना चाहते हैं, तो 1 से 2 चम्मच इसमें गेहूं का आटा डाल के गूंथिएगा, तभी जाके ये अच्छे से गूंथता है। क्योंकि इसमें जरा सा भी ग्लूटेन नहीं होता, यानी चिपचिपा नहीं होता, बहुत ज्यादा ये रूखा होता है आटा। तो देखिए दोस्तों, इसका कलर भी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा होगा। अब अच्छे से सारे चीज को हमें मिक्स कर देना है। और इतना आटा में हमारा 2 रोटी बन के आएगा, यानी कि एक आदमी जो सुबह में खा लेंगे उतना बन जाएगा। और अभी तो देख रहे हैं कि ये गेहूं का आटा छोड़ के सब रागी के पीछे ही दीवाना हो गया है। देखिए कितना अच्छा से ये लग चुका है, और बिल्कुल भी इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं की हूं। तो ये हमारा आटा जो है तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से। चलिए तब तक तवा को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों 5 मिनट हो चुका है इसको रखे हुए। अब एक बार हल्के हाथों से इसको फिर से मसल देंगे। आटा थोड़ा सा रागी का ले लिए हैं, हाथ में लगा लेना है। और जैसे हम लोग रोटी का लोई लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लेंगे। और इसको बनाना कैसे है, किस तवा पर बनाना है, वो भी आप देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना साइज का 2 रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रागी का रोटी जो है ना, इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाया जाता है। हल्के हाथ से बेलन चलाइएगा, और थोड़ा सा इसका किनारे कटा फटा ही रहता है। इसी तरीके से दूसरा रोटी भी बना लेती हूँ। दोस्तों दोनों ही रोटी हमारा बन चुका है। अब चलिए इसको सेकते हैं। रोटी को सेकने के लिए हमें नॉनस्टिक तवा का चाहिए तो यूज नहीं कीजिए, लोहे का तवा का यूज कीजिए। इससे जो है रोटी हमारा और भी ज्यादा अच्छा बनेगा, और लोहे के वजह से इस रोटी जो है और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। नॉनस्टिक तवा है यदि आपके पास तो बना ले, यदि नहीं है तो, यदि लोहा का भी है तो आप लोहे के तवा पर ही इस रोटी को बनाएं, क्योंकि बिल्कुल स्पेशल ढंग से रोटी बनने वाली है। एक तरफ से सिक गया है, अब इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे, और कम कम आंच पे इसको बहुत अच्छे से पकाइएगा। दोनों तरफ से कच्चा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों यदि रागी का रोटी कच्चा रह जाता है तो खाने से पेट खराब हो जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रागी का रोटी देखने में जितना साधारण लगता है, जितना फायदा करता है, उतना ही ज्यादा नुकसान भी कर जाएगा यदि जरा सा भी कच्चा रह जाएगा तो। रागी के रोटी को एक तरफ से बहुत अच्छा कड़क करके सेकिएगा। अच्छे से इसको घुमाते हुए देखिए कलर आ रहा है, थोड़ा सा ये और सिकेगा। अभी इसमें घी तेल कुछ भी नहीं लगाना है। यदि आपको खाना है तो आप बाद में थोड़ा सा इसमें घी या बटर लगा के खा सकते हैं, और चाहे तो आप सूखा भी खा सकते हैं। दोस्तों देखिए रोटी जो है हमारा सिक चुका है। देखिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब इसको पलट देंगे। गैस के ऊपर भी रोटी को नहीं फुलाना है, तवे के ऊपर ही रोटी को फुलाएंगे। डायरेक्ट गैस पे रोटी नहीं फुलाना चाहिए दोस्तों। देखिए इस तरीके से इसको दबाएंगे तो ये हल्का हल्का सा फूल रहा है, देख पा रहे हैं। और ये रोटी जो है हमारा बहुत अच्छे से बन चुका है। अब इसी तरीके से दूसरे रोटी को इस पर डाल के और सेक लेना है। तैयार है बहुत ही ज्यादा हेल्दी वाला रोटी। और इसको दही के साथ खाइए। दही में भी थोड़ा सा जो पाउडर बना के आपको दिखाई हूँ वो मिक्स कर दें। मिला जुला के आप ये जो पाउडर है ना, इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपके वेट लॉस होने में आपको सहायता मिलेगा। इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाला हुआ है, तो आप मीठे से परहेज करें यदि आपको वजन कम करना है तो। और इसके साथ आप दही खाएं, इसमें ककड़ी डाल सकते हैं, खीरा और रायता के जैसे बना के इसके साथ रोटी खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा रोटी एकदम से नरम नरम बन के तैयार हुआ है दोस्तों। देखिए इसे आप गर्मा गर्म खाएं, ठंडा करके खाएं, जैसे चाहें वैसे खाएं, मिला जुला के चारों तरफ से ये रोटी आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। और अच्छा फुला फुला सा भी रोटी बन के तैयार हुआ है, देख पा रहे हैं। आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये रोटी कितना ही ज्यादा अच्छा बन के तैयार हुआ है। दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।